नमस्कार दोस्तों, डीएस टेक्निकल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गाइस आपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से ऑनलाइन रूम बुक कैसे कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से आप होटल में रूम बुक करना चाहते हैं तो रूम बुक कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल से गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि गाइस नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आपको अपने मोबाइल में फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फिर गाइस हमें यहाँ पर नीचे की साइड कैटेगरीज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए गाइस फ्लाइट एंड होटल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस हमें यहाँ पर होटल में रूम बुक करना है तो इसके लिए गाइस हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड आपको तीन तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, फ्लाइट, होटल्स एंड हॉलीडे। तो गाइस मैं यहाँ पर होटल में रूम बुक करना चाहता हूँ, इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर होटल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी होती है। फर्स्ट पे तो गाइस आपको यहाँ पर सिटी, अपनी एरिया का नाम जो है वो यहाँ पर पूछ रहा है, तो गाइस हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर गाइस आपको अपना जो एरिया है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे गाइस मैं हूँ अभी चेन्नई तमिलनाडु से, तो सिंपल गाइस मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई तमिलनाडु सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी होती है। तो गाइस आप कौन सी डेट से कौन सी डेट तक रूम बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर डेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो डेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही गाइस आप दोनों डेट सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट तो गाइस चेक इन की डेट और गाइस सेकेंड वाली जो है आप कब छोड़ना चाहते हैं अपने रूम को, तो वो दोनों डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रैवलर्स का ऑप्शन देने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस आप कितने पर्सन हो जो कि रूम में रहना चाहते हो, गाइस कितने पर्सन के लिए गाइस आप रूम बुक करना चाहते हो, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे गाइस मैं इस पर क्लिक करता हूँ, गाइस फिलहाल के लिए तो गाइस मैं एक ही पर्सन हूँ, तो गाइस मैं यहाँ पर सिंगल के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च होटल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस आप यहाँ पर सर्च होटल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमारे सामने चेन्नई की सभी होटल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर गाइस हमें अलग अलग रेंज और अलग अलग क्वालिटीज़ के हमें यहाँ पर होटल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी सभी तरह की होटल्स हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है शॉर्ट्स का, तो गाइस हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लो टू हाई से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हाई टू लो से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे गाइस मुझे यहाँ पर कम बजट में होटल चाहिए तो गाइस आपको यहाँ पर लो टू हाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने कम से कम बजट की जो भी यहाँ पर रूम है वो यहाँ पर हमें शो करने लग जाएगी। तो यहाँ पर गाइस हमारे सामने यहाँ पर देखिए गाइस कम बजट की हमें रूम्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो गाइस आपको अपने बजट के हिसाब से आपको अपने रूम को सिलेक्ट कर लेना है, अपने होटल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे गाइस मैं यहाँ पर देखिए गाइस इस वाले होटल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। होटल सेलेक्ट करते ही गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस हमें इस होटल की पूरी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर गाइस हमें इस होटल का फेयर देखने को मिल जाता है, इसकी पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। फिर गाइस हमें यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आना है, तो यहाँ पर गाइस मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आ जाता हूँ। नीचे की साइड आने पर गाइस आपको यहाँ पर बुक दिस रूम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फिर गाइस हमें यहाँ पर नीचे की साइड आना है और यहाँ पर देखिए गाइस आपको यहाँ पर कूपन कोड का पूछ रहा है, तो यदि गाइस आपके पास कूपन कोड यहाँ पर अवेलेबल है तो वो यहाँ पर फिलअप कर देना है, नहीं तो गाइस आपको यहाँ पर नीचे की साइड आना है और यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस आपको अपना जो नेम है वो यहाँ पर मिस गाइस ट्रैवलर डिटेल्स जो है वो यहाँ पर फिलअप कर देनी होती है। तो गाइस मैं जो अपनी ट्रैवलर डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। फर्स्ट में तो गाइस आपको अपना नेम सेलेक्ट कर लेना, नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर गाइस अपना मोबाइल नंबर जो है उसे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस आप उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर गाइस आपको पेमेंट के सभी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यूपीआई पिन है, वॉलेट है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप किसी भी टाइप से अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं बता रहा है, कुछ कुछ रूमों में गाइस आपको यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल बताएगा और कुछ में गाइस अवेलेबल नहीं बताएगा गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस आप अपना पेमेंट जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो जैसे ही गाइस आप अपना पेमेंट ऑनलाइन करेंगे तो गाइस जो आपका रूम है वो यहाँ पर कन्फर्मली बुक हो जाएगा गाइस। तो इस तरह से गाइज आपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो चला होगा और वीडियो चला होगा वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गाइज, ताकि गाइज आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। थैंक यू गाइज।